एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो फ्रेंड्स, ये आज मैंने व्लॉग वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि आज मेरे प्यारे से गोविंद की बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेस बन के आई हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज आप सबको अपने प्यारे गोविंद की ड्रेस दिखा देती हूँ। वैसे मैंने सुबह व्लॉग की स्टार्टिंग की थी, लेकिन जैसे ही मैं साफ सफाई कर रही थी तो उसी टाइम पे पार्सल आ गया। तो बस फिर मैंने सोचा कि आज व्लॉग वीडियो शेयर नहीं करूँगी, आज तो मैं आप सबको अपने प्यारे गोविंद की सुंदर सुंदर सी ड्रेसें दिखाऊँगी कि कैसी ड्रेसें बन के आई हैं। और ड्रेस मैंने पानीपत बनवाई है, जहाँ मैं पहले रहती थी, मेरी दुकान थी उसके बगल में ही मेडिकल स्टोर है, उनकी मिसिज बनाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसें बनाती हैं। जब मेरी खुद की शॉप थी ना, तब तो वो मेरी शॉप पे भी देखे जाती थी, तो जो कस्टमर आते थे ना वो लेके जाते थे, मैं उनकी ड्रेसें वहाँ पर सेल भी कर देती थी। लेकिन उस टाइम पे मेरे घर में ठाकुर जी विराजमान नहीं थे, ये तो ठाकुर जी ने अब मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, जो उन्होंने मुझ अधम को भी चुन लिया है अपनी सेवा के लिए, बड़ी कृपा की है ठाकुर जी ने। तो लाला की पहले भी ड्रेसें बन के आई थी, वहाँ से चार ड्रेस एक बार बन के आई थी, दो ड्रेस एक बार बन के आई थी। तो जब चार ड्रेस बन के आई थी ना, तब वो मैंने यहाँ आप सबके साथ शेयर की थी और उनका व्हाट्सअप नंबर भी दिया था। तो बहुत सारी बहनों ने ऑर्डर पर उनसे ड्रेसें बनवाई हैं, तो कुछ बहनें हैं जो इनको मतलब वो वीडियो अब मिल नहीं रही है, और वही काफ़ी टाइम हो गया है। लाला आए थे सितंबर में और ड्रेसें बन के आ गई थी अक्टूबर में, तो सोचो अक्टूबर के बाद तो कितनी सारी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो वो बहुत नीचे वीडियो चली गई है। तो बहुत सारी बहनें फिर खोजती रहती, वो वीडियो नहीं मिलती, कि फिर उनका नंबर, जिनको मेरा जो बिजनेस वाला ब्लॉग चैनल है वहाँ से नंबर मिलता है तो मांग लेती हैं, लेकिन बहुतों को नहीं पता है फिर उस नंबर का। तो सोचा कि चलो आज आप सबको अपने लाला की ड्रेस दिखा देती हूँ और उनका दोबारा से नंबर दे देती हूँ। तो ये जो ऊपर स्क्रीन पे नंबर चल रहा है ना, नीचे वाली साइड पे चल रहा है, ये नंबर उनका व्हाट्सअप नंबर है जिनसे मैंने ड्रेसें बनवाई हैं। और ड्रेस का ये है कि आप अपने अनुसार बनवा सकते हो, क्योंकि कुछ बहनें अब मेरे से पूछेंगी कि कितने की है। तो देखिए, इन पर जो वर्क होता है ना ड्रेस पे, प्राइस होता है उसके अनुसार, तो वो आपको फिर मतलब दिखाएगी कि भाई कैसे कैसे आपको ड्रेसें बनवानी है, पैच कैसे लगवाने हैं, तो उनके अनुसार भाई रेट बढ़ता है, साइज होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, घेर होता है। अब जैसे मुझे है, मुझे मेरे लाला की ड्रेसों का घेर छोटा पसंद नहीं आता भाई, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बीच में जो दो ड्रेसें आई थी ना उनका घेर छोटा आ गया था। भले ही वो कम पैसे में आई, लेकिन मेरे मन को नहीं भाती, ऐसा लगता है जैसे लाला खुश नहीं हो रहा है इनको पहन के। तो फिर मैंने उनको बोला था भाई पैसे की कोई बात नहीं होती है, पैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन घेर थोड़ा बड़ा रखना मेरे लाला की ड्रेस का। तो वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप अपने ठाकुर जी की या अपनी माता रानी की जो भी आप ड्रेसें बनवाओगे उनका घेर कितना रखवाते हो, ऊपर जो बूटियाँ लगती हैं वो कितनी लगवाते हो, कैसी लगवाते हो, तो प्राइस पड़ेगा उसके हिसाब से। वो आपसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, और ड्रेसें बहुत सुंदर बनाती है। तो मैंने चार ड्रेसें अपने लाला की बनवाई हैं और दो ड्रेसें गांव में मेरी देवरानी है, घर परिवार में ही है, तो उसके हैं छोटे से 0 नंबर के बाल गोपाल, दो ड्रेसें मैंने उनके लाला की भी बनवाई हैं। क्योंकि ना मन में एक भाव आता है कि मैं अपने लाला के लिए बनवा रही हूँ ना, तो देवरानी के लाला की भी छोटी छोटी सी ड्रेसें बनवा लेती हूँ। तो चलो पहले सबसे पहले ड्रेस दिखाती हूँ, बाकी की बातें बाद में करेंगे। और नंबर देखो स्क्रीन पे चल रहा है जिनसे ड्रेसें बनवाई, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चार ड्रेसें हैं भाई, मुझे ना कमेंट्स करके बताना कि चारों में आपको सबसे सुंदर कौन सी लगी। मुझे तो ना सारी बहुत सुंदर लग रही, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से ही बनवाई है। तो देखो, एक ड्रेस तो मैंने ये बनवाई है, और जो ये वर्क है ना ये मैंने अपनी पसंद से करवाया है, कैसे लगाना है, कितनी बूटियाँ लगानी है, ये सारा मैंने मतलब अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट करके बताया था कि भाई इस कलर पे ये बूटी लगाना और ऐसी लगाना, क्योंकि उन्होंने बता दिखा दी थी व्हाट्सएप पे मुझे पिक भेज के कि मतलब ये सारी मैंने करवाई है। और इसके साथ में देखो प्यारा सा मुकुट बनाया है, और बहुत सुंदर ड्रेस लग रही है मुझे। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना भाई ड्रेसें कैसी लग रही हैं आपको, और सच मानिए आप जैसी चाहोगे ना वैसी ड्रेस वो बना के देगी। ये नहीं है कि भाई मतलब मैं ऐसे ही कर रही हूँ, आप ड्रेस देख सकते हो, प्रमाण अपने सामने देख सकते हो कितनी प्यारी ड्रेसें बनाई है उन्होंने,
अरे महाराष्ट्र से कई जगह से उसके पास दूर दूर से ऑर्डर आए हैं। जब मैंने पहले वाली वीडियो डाली थी ना, तो वहां से कई बहनों ने कांटेक्ट किया उनके साथ में, और अपने ठाकुर जी की, अपनी माता रानी की ड्रेस से बनवाई, तो बहुत प्यारी उन्होंने बना के उनको ड्रेस दी है। फीडबैक बहुत अच्छा मिला है, तो आप भी बनवा सकते हो। तो ये नंबर मैं आपको फिर से दे रही हूँ, देखो एक ड्रेस तो ये है मेरे प्यारे से कन्हैया की, बहुत सुंदर लगेगा है ना। और आज जो ड्रेस पहनी हुई ना, जो स्टार्टिंग में आपने मेरे लाला के दर्शन किए हैं व्हाइट कलर की, उन्होंने ही बनाई थी वो स्टार्टिंग में, बिल्कुल जब अक्टूबर में आए थे ना, तो अक्टूबर में बनवाई थी वो ड्रेस थी मैंने। तो देखो दूसरा दिखाती मैं आपको ड्रेस, देखोगे तो आपको होगे वाओ। ये देखो हाँ, कितना प्यारा मुकुट बनाया है देखो। और मैंने मुकुट पहना के देखा था, बहुत सुंदर आया, बहुत प्यारा। लाला को मैंने ड्रेस से दिखाई तो सच में इतने, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे लाला के चेहरे से अब भी मुस्कुराहट फूट पड़ेगी। जैसे ड्रेस से आई तो मैंने लाला को दिखाई कि मेरे प्यारे लाला देखो गोविंद, तुम्हारी ड्रेस से बन के आई है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा प्यारा सा बच्चा मुस्कुरा रहा है। एक ड्रेस ये बन के आई है, और देखो जैसे मैंने ना ये चोली अटैच में बनवाई हुई है सारी की सारी। अगर आप जैसे अलग में बनवाना चाहो तो वो अलग से भी बना देती भाई, किसी किसी को है ना चोली अलग हो और घेर अलग हो, लेकिन मैंने उसको बोला था भाई अटैच कर देना, क्योंकि क्या होता है ना, मैं इधर उधर रखूँ चोली इधर से उधर हो जाती है, ड्रेस के साथ में रहती तो बढ़िया रहता। ये इसका मुकुट है देखो, है ना। दूसरी ड्रेस ये है, तो दो हो गई। और अब देखो तीसरी दिखाती हूँ ग्रे कलर की, ये देखो देखो इसकी भी मैंने चोली जो है ना ऐसे ही अटैच वाली ही बनवाई हुई है भैया, अटैच चोली। ये भी वर्क मैंने सेलेक्ट करके उनको बोला था कि इस तरह से बीट्स लगाना इस पे, मतलब मुझे ना ज्यादा भरी भरी ड्रेस पसंद नहीं आती है। मुझे तो क्या अंदर से भाव आता है कि लाला कोई पसंद नहीं है, सबके लाला की चॉइस अलग होती है भाई। ये देखो ये है ग्रे और क्रीम कलर का कंट्रास्ट, और इसके साथ में है मेरे लाला का ये प्यारा सा मुकुट, देखो कितना सुंदर बनाया है ना, बहुत प्यारा बना है, देख लिया आपने सच में, है ना। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस से मेरे कन्हैया की, देखो एक ड्रेस ये हो गई, तो तीन आ गई। अब देखो चौथे नंबर की, ये देखो ये मैंने ऐसी फ्लावटी ड्रेस बोला है, तो ये ऐसी है, ये हैंड वॉश भी हो जाएगी। वो वाली ड्रेस है ना, उनको वॉश नहीं कर सकते हैं, वो वॉश करने पर खराब हो जाती है, बट ये वाली है ना ये धुल जाएगी। ये इस टाइप का, मतलब इस पे वर्क बनवाया, और इसका जो मुकुट है ना वो थोड़ा सा बड़ा बन के आ गया है। मैंने उनको बोला भाई एक छोटा मुकुट बना देना, ये तो लाला को बहुत बड़ा हो जाएगा, 12 नंबर के लड्डू गोपाल को आएगा, मेरे 8 नंबर के बाल गोपाल है। लेकिन सच में मुकुट की जो शोभा है ना वो बहुत सुंदर बनी है, लुक बहुत प्यारी है, ड्रेस की लुक भी बड़ी लाइट वेट में और बहुत सुंदर सी फ्लफी सी ड्रेस बनी है, बहुत सुंदर। तो भैया आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना मेरे कन्हैया की ड्रेस से आपको कैसी लगी है। तो ये 4 ड्रेसें तो मैंने अपने कान्हा की बनवाई हैं, और अब 2 ड्रेसें जो मेरी देवरानी के हैं बाल गोपाल, उनका नाम केशव है, केशव मैंने रखा था उनका नाम, क्योंकि जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने बताया कि इनका नाम तो कुछ भी नहीं रखा है। तो मैंने कहा ऐसे नहीं भाई, लाला का नाम तो होना चाहिए ना, कि मतलब अपनापन होना चाहिए ना उसके साथ में, कि मेरे लाला का नाम क्या है। तो मैंने उनका कहा था केशव इनका नाम रखो। तो ये देखो जैसे मेरे लाला की ड्रेस बनवाई ना, सेम मैंने उनके 0 नंबर के बाल गोपाल है ये छोटी सी ड्रेस, देखो उनके लाला का ऐसा इतना सा मुकुट आता है, तो ये मैंने उनके लाला की बनवाई ड्रेस, क्योंकि मुझे ये था कि जैसे मेरे गोविंद की ड्रेस बन के आई ना, सेम टू सेम मैं उनके लिए भी बनवा लूँ, तो ये मैंने उनकी ड्रेस बनवाई है। देखो एक तो ये हो गई, एक और दिखाती हूँ आपको, ये देखो जैसे ग्रे कलर की है ना मेरे कन्हैया की, बस उन्होंने ये वाली जो बुट्टी चिपका दी ना, ये मेरी पसंद से नहीं चिपका, इन्होंने मुझे दिखाया नहीं, ये मतलब थोड़ी सी ऐसे लगाती हूँ उनको, अब मेरे पास इसमें जो है ना गोंद भी नहीं है, वरना मैं इसको उखाड़ के इस साइड में लगाती तब इसकी लुक आती, ये लंबे में थोड़ी सी लुक अच्छी नहीं दे रही है मुझे, लेकिन अब उन्होंने लगा दी है तो चलो कोई नहीं भाई। और ये देखो इसका सुंदर सा मुकुट है, क्योंकि उसकी पिक तो उन्होंने मुझे भेजी थी तैयार करते टाइम, लेकिन इसकी नहीं भेजी, लेकिन ये बूटी मतलब इसकी बजाय ऐसे होती, या इस पर जैसे छोटी ही चारों बूटियाँ होती तो छोटी ड्रेस के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छी लुक आती, लेकिन अपनी जगह पे ड्रेस बहुत सुंदर बनी हुई है देखो, बहुत प्यारी। तो भाई ये 2 ड्रेस मेरी देवरानी के लाला की, और 4 ड्रेसें मेरे प्यारे कान्हा की बन के आ गई हैं। तो बताना भाई आपको ये ड्रेस कैसी लगी, और जिस किसी बहन को बनवानी हो ना, तो स्क्रीन पे मैंने नंबर डाल रखा है,
आप उनसे कांटेक्ट कर लेना और बनवा लेना, क्योंकि देखो मन में इच्छा है कि एक बार जो है लाला को लेके और वृंदावन धाम जाऊं। अब देखो श्री जी कैसे बुलाती हैं, क्योंकि श्री जी के बुलावे के बिना कोई धाम नहीं जा सकता। कोई जितना मर्जी आए एडी चोटी का जोर लगा लो, जब तक श्री जी का बुलावा नहीं आता तब तक कोई धाम में पैर भी नहीं रख सकता है भाई। अब श्री जी के चरणों में ही अर्जी लगा रही हूँ कि श्री जी मुझे बुला लीजिए, तो देखते हैं कब होता है। बाकी लालाज के जो है ड्रेस ही बनवा ली है, तैयारी तो अपनी तरफ से कर ली है। तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही, बस आज तो ये था कि अपने प्यारे गोविंद की ड्रेस से दिखा दूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय, खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।